हेलो फ्रेंड्स, मैं हितेश आज फिर से आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ व्हाट्सएप के अंदर छुपे हुए कुछ ऐसे भी फीचर्स है जो हम में से बहुत लोगों को नहीं मालूम। मैं उस फीचर्स के बारे में आपको आज समझा के लाइव प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ। तो शुरू से अंत तक ये वीडियो जरूर देखिए, और आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो आपको बहुत ही फायदे में आप रहने वाले हैं इस वीडियो देखकर। तो चलिए हमारी मोबाइल स्क्रीन पर, जैसे कि आपको मैंने बोला था, हम हमारी मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं और हम हमारी व्हाट्सएप को ओपन करते हैं। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद हम आपको एक एक ट्रिक बड़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहे और एक एक ट्रिक ही अप्लाई करते रहे। चलिए पहला ट्रिक शुरू करते हैं। आप देखिए, मैं इस बंदे को हाय लिख के भेजा, ये मेरा सिंपल सा हाय लिख के मैंने भेजा। जैसे कि आप लोग सब जब भी कोई मैसेज करते हैं तो इसी स्टाइल पे दिखता है, पर इसको हम थोड़ी डिज़ाइन भी लिख सकते हैं। देखिए मैं कैसे लिखता हूँ। पहले आप यहाँ पे ये जो छोटा वाला स्टार है वो टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद हाय को टाइप कीजिए। हाय को टाइप करने के बाद फिर से वही छोटा वाला स्टार टाइप कीजिए और मैसेज को सेंड कर दीजिए। देखिए आप ये देख सकते हैं, ये जो हाय है दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। दूसरा ट्रिक हम कैसे लिख सकते हैं, ये बड़े ध्यान से देखिए, ये और भी मज़ेदार है। पहले हम इस आइकन को टाइप करते हैं, ये जो आप देख रहे हैं हमने इसको अभी टाइप किया है। उसके बाद हम हाय लिखते हैं, फिर वही आइकन को दोबारा टाइप करते हैं। आप देखिए हाय के ऊपर एक लाइन आ गया। ये था हमारा दूसरा स्टाइल। अभी तीसरा स्टाइल, वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ, बस वीडियो को ध्यान से देखिए। पहले ये छोटा वाला डॉट है, जो इस डॉट को पहले टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद फिर से हाय लिखिए। हाय लिखने के बाद फिर से वही डॉट को दोबारा टाइप कीजिए और सेंड कर दीजिए। देखिए ये जो हाय हो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ना, इटैलिक स्टाइल पे हो गया, आप ये देख सकते हैं। ऐसे वेराइटी स्टाइल पे हम मैसेज को सेंड कर सकते हैं। और आप देखिए, हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं और सेंड करने के लिए हमारे को इस बटन पे टाइप करना पड़ता है, पर इसका भी एक ट्रिक है जो हम जल्दी से मैसेज को टाइप करके हमारे दोस्तों के साथ चैट कर सकते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले आप इस थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, आपको ऊपर में दिख रहा है जो थ्री डॉट के ऊपर क्लिक कीजिए। थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप पहले इसको इस पेज को बैक कर लीजिए। बैक करने के बाद आप अपने मेन पेज पे आ जाएंगे। मेन पेज के आने के बाद आप जो ऊपर थ्री डॉट देख रहे हैं उसी डॉट को ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग दिख रही है, उस सेटिंग के ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको चार्ट के ऊपर चले जाना है। चार्ट के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है एंटर इज सेंड, एंटर की विल एड ए न्यू लाइन, इसके ऊपर टैप करके उसको ऑन कर दीजिए और आप बैक करिए और एक बैक करिए। बैक करने के बाद फिर मैसेज करिए। हम यहाँ पे हाय लिखे हैं, हाय लिख दिए। लिखने के बाद आपको दिख रहा है आप इसी आइकन को प्रेस करके मैसेज को सेंड कर रहे थे, अभी यही वाला आइकन आपके नीचे कीबोर्ड पे आ चुका है, आपको दिख रहे है। ये आपको जल्दी जल्दी मैसेज भेजने में हेल्प करेगा। मैं से कोई भी मैसेज यहाँ पे टाइप करो, यहाँ भेजो, कोई भी मैसेज टाइप करो यहाँ से भेजो, आपको थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते। अभी मैं आपको फाइव नंबर का ट्रिक जो है बताने वाला हूँ। ये जो ट्रिक है बड़े ही काम आता है। आपका पेरेंट्स यार भाई बहन को आपको मालूम हो जाता है कि आप व्हाट्सअप चलाने वक्त आपका जो लास्ट सीन है, यहाँ देखिए मेरा दिखा रहा है लास्ट सीन टुडे 6:10 ओ, ये आपको डिजेबल करना है। कैसे करेंगे हम आपको बताते हैं, वीडियो को ध्यान से देखिए। फास्ट आप इसको बैक कर दीजिए। बैक करने के बाद आप उसी
आप उसी 3 डॉट पे चले जाइए, ऊपर पे दिख रहा है जो 3 डॉट है उसी डॉट पे चले जाइए। डॉट पे गाने का सेटिंग आ गया, सेटिंग पे चले जाइए। सेटिंग पे चले जाने के बाद आपको अकाउंट पे चले जाना है। यहाँ पे जो अकाउंट वाला ऑप्शन है उस अकाउंट के ऑप्शन पे चले जाना है। अकाउंट के ऑप्शन पे करने के बाद जो पहला ऑप्शन है प्राइवेसी, उसी प्राइवेसी पे चले जाना है। प्राइवेसी पे चले जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है लास्ट सीन एवरीवन, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। आप यहाँ पे अपना लास्ट सीन आपका नोबडी कर सकते हैं, जो ये आप कभी ऑनलाइन आए थे जो किसी को नहीं दिखाएगा, और आपको जिसको भी दिखाना चाहते हैं योर माइक कॉन्टैक्ट चोट करके इसके ऊपर भी कर सकते हैं। आपका जो एवरीवन है उसको हटा के आप नोबडी कर दे तो आपका लास्ट सीन किसी को नहीं दिखाएगा। उसके बाद में आप यहाँ पे देख रहे हैं अपना प्रोफाइल फ़ोटो। प्रोफाइल फ़ोटो आप किस किस को दिखाना चाहते हो और किसको नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको एवरीवन कर दे तो आप अपने सारे जितने भी कॉन्टैक्ट है सबको दिखा सकते हैं, और नोबडी कर दे तो कोई नहीं देख सकता, और कॉन्टैक्ट में सिलेक्ट करे तो आप जिसको चाहें उसको दिखा सकते हैं। अपना अबाउट और स्टेटस और लाइव लोकेशन, ये सब भी आप इसी तरह कर सकते हैं। ये था हमारा 5th सेटिंग। अब चलते हैं 6th सेटिंग। हमारा जो 6th सेटिंग है ये बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आपको बताने वाले हैं। आप जानते होंगे कि आपकी दोस्तों ने जब भी कोई फ़ोटो वीडियो या सॉन्ग आपको सेंड किया, तो उसी फोल्ड आपका वो वीडियो डाउनलोड होके आप भी गैलरी या फाइल में सेव हो जाता है। उसको आप हाइड कैसे करें, इसलिए हमको पहले फाइल के ऑप्शन पे जाना होगा। आपके मोबाइल पे जो फाइल मैनेजर है, पहले उस फाइल मैनेजर को ओपन कीजिए। फाइल मैनेजर को ओपन करने के बाद आप व्हाट्सएप का फोल्डर के ऊपर चले जाइए। देखिए मेरा ये व्हाट्सएप का फोल्डर है, यहाँ पे मैं व्हाट्सएप के फोल्डर के ऊपर जा चुका हूँ। अभी आप व्हाट्सएप के मीडिया के ऊपर चले जाइए। मीडिया के ऊपर चले जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट्सएप ऑडियो है, व्हाट्सएप इमेज है, व्हाट्सएप वीडियो है। देखिए मैं व्हाट्सएप वीडियो को हाइड करना चाहूँगा तो कैसे करूँ। आप व्हाट्सएप वीडियो को हाइड करने के लिए आप पहले इस व्हाट्सएप वीडियो वाला जो फोल्डर है उसको प्रेस करके रखिए। प्रेस करके रखने के बाद ये देखिए पीला हो गया इसके ऊपर, और जो 3 डॉट दिखाई दे रहा है यहाँ पे उसी 3 डॉट पे क्लिक कीजिए। 3 डॉट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप एक रीनेम का ऑप्शन दिखा रहा है, उसी रीनेम की ऑप्शन के ऊपर टैप कीजिए, और यहाँ पे जो आपको दिखा रहा है व्हाट्सएप वीडियो, इसके पहले माने फर्स्ट फर्स्ट आपको एक डॉट लगानी है। देखिए मैं जैसे डॉट लगा रहा हूँ यहाँ पे मैं एक डॉट लगाने वाला हूँ। देखिए मैंने डॉट लगा दिया और इसको डन कर दिया, और आप देख सकते हैं मेरे जो यहाँ पर व्हाट्सएप वीडियो वाला जो फाइल था वो हाइड हो चुका है। इसी तरह आप हाँ किसी भी फोल्डर को हाइड कर सकते हैं, और इसको जब वापस लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, फिर से इस 3 डॉट के ऊपर क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपको दिखा रहा है शो हिडन फाइल, इसी शो हिडन फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे शो करेगा आपको व्हाट्सएप वीडियो, पर यह अभी भी ब्लैंक है, तो आप क्या करने वाले हैं इसके ऊपर आप प्रेस करके रखिए, और इसका को फिर रीनेम करके वो जो डॉट लगाए थे उस डॉट को हटा दीजिए। हटा देने के डन कर दीजिए तो आपका व्हाट्सएप वाला वीडियो फोल्डर देखे यहाँ पे आ चुका है। इसी तरह आप हाँ किसी भी फोल्डर को हाइड कर सकते हैं, और हाइड आप उसी के फोल्डर को शो भी कर सकते हैं। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपकी चैट वॉलपेपर को आप कैसे बदल सकते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है वाइट, तो आप क्या करेंगे, आप पहले इस 3 बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद सेटिंग के ऊपर क्लिक कीजिए। सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद चैट के ऊपर क्लिक कीजिए। चैट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एक वॉलपेपर का ऑप्शन शो कर रहा है, उसी के ऊपर क्लिक कीजिए। जब आपका वॉलपेपर ऑन हो जाए तो यहाँ पे गैलरी के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। गैलरी के ऑप्शन के अपन का गैलरी ऑन हो चुका है अभी, तो आपको जिसका भी वॉलपेपर रखना है उसको सिलेक्ट कीजिए। मैं मेरा फ़ोटो को वॉलपेपर रखना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं मेरा फ़ोटो को सेट कर देता हूँ। ये मेरा देखिए चैट वॉलपेपर सेट हो चुका है, तो आप इसको इसी तरह वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। देखिए मैं अभी जब चैट पे जाता हूँ तो मेरा फ़ोटो को मैं वॉलपेपर के रूप में सेव कर चुका हूँ। आप भी इसी तरह आप जो भी चाहे वो फ़ोटो को आपके चैट वॉलपेपर पे सेव कर सक। देखिए अभी मैं आपको आखिरी और धमाकेदार ट्रिक बताने वाला हूँ, ये ट्रिक बहुत लोगों को मालूम नहीं है। हम आप जो व्हाट्सएप का स्टेटस तो आप जानते ही होंगे, इसमें बहुत सारे फ्रेंड बहुत अच्छे अच्छे स्टेटस डालते रहते हैं, पर इसके तो हम देख सकते हैं पर परमानेंटली डाउनलोड करके नहीं रख सकते। पर इसको कैसे डाउनलोड करना है
आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले आप जिसका स्टेटस देखना चाहते हैं उसी का स्टेटस पहले देख लीजिए। मैं इधर मेरे दोस्त का स्टेटस देखना चाहता हूँ, यहाँ पे देख लेता हूँ। ये मेरे दोस्त ने कुछ स्टेटस डाला था, ये मैंने देख लिया। और कोई भी सॉन्ग, कोई भी वीडियो जो कोई भी डाल चुका है, मैं उसको ठीक तरह देख लेता हूँ। देख लेने के बाद इसको मैं बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद अपन सीधा अपनी फाइल मैनेजर पे जाना है। फाइल मैनेजर के ऊपर आने के बाद आपको व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करना है, और व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करने के बाद मीडिया के ऊपर जाना है। मीडिया के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे जो थ्री डॉट शो कर रहा है उसी थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको हिडन फाइल्स शो करने के ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आपका व्हाट्सअप स्टेटस अभी डाउनलोड हो चुका है। तो आप कैसे देखेंगे, यहाँ पे देखिए स्टेटस का एक ब्लैंक वाला फोल्डर क्रिएट हो चुका है। आप उसी फोल्डर के ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद मैं जो जो भी व्हाट्सअप का स्टेटस अभी देख के आया हूँ वहीं वहीं स्टेटस मेरे को शो करता है। आप यहाँ देख सकते हैं मेरा थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं देखिए वही स्टेटस यहाँ पे भी चल रहा है जो कि मेरे गैलरी पे डाउनलोड होकर रह चुका है। तो कोई भी फ़ोटो, कोई भी स्टेटस, कोई भी वीडियो, कोई भी सॉन्ग आप इसी तरह अपनी दोस्तों की व्हाट्सएप स्टेटस को देख के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही था, कल मिलते हैं एक नया टॉपिक पर। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। कल दूसरी टॉपिक लेके हम आते हैं।